दोस्तों एक न्यू क्रिएटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, वो अपना वीडियो को एक बार में पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। दोस्तों मैं भी जब स्टार्टिंग किया था तो एक बार में मेरा सारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता था, बहुत ज़्यादा कट लग जाता था। जब काइन मास्टर में बाद में एडिट करते तो बहुत सारा कट वहाँ पर लग जाता है, और क्या होता है कि वीडियो देखने का टाइम साफ साफ पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ कट लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर अगर अपने कट को अगर आप छिपाना चाहते हो तो यहाँ पर काम क्या करेगा पता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक बताने वाला हूँ जो कि अभी यूट्यूब पर लगभग सारे टैग कैटेगरी के चैनल वाले यूज कर रहे हैं और भी अदर चैनल वाले यूज कर रहे हैं। तो आपको 5 ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक बताऊंगा जो कि दोस्तों आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, और लगभग सारे क्रिएटर वही अभी ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, सब कोई ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर आप इन 5 बैकग्राउंड म्यूजिक में से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर यूज करते हैं अपने वीडियोस में तो आपका बिल्कुल भी कटअप नहीं दिखेगा जो कि कहाँ कहाँ वीडियो आपका कट हुआ है। तो दोस्तों चलिए आपको बताने वाला हूँ जो कि अभी इन 5 बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोवर कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो करो। यूजर नाम है क्रिएटर साइज 2.0। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन में, यहाँ पर आपको टॉप 5 बैकग्राउंड म्यूजिक चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, और आपको एक एक करके मैं प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल पर दिखाता हूँ ताकि सारे लोगों के पास मोबाइल ही होते हैं तो मोबाइल से वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले अपने मोबाइल के यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है यूट्यूब लाइब्रेरी। इस प्रकार से देखते मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी, ठीक है। तो YouTube लाइब्रेरी जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे टॉप में आपको दिखेगा ऑडियो लाइब्रेरी YouTube, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे YouTube का ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम का टेंशन नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे नंबर 1 पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो आता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जो सर्च करूँगा, यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मैं जो सर्च करूँगा आपको सेम वही सर्च करना है जो आपको स्क्रीन में साइड में यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो मैं यहाँ पे सेम स्पेलिंग आपको टाइप करना, अगर स्पेलिंग गलत टाइप करते हैं तो आपका ये बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये वाली बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर शो किए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना कमाल का सबसे पहला जो बैकग्राउंड म्यूजिक है। आप इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा, जो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों मेरे नंबर 2 पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फिर से जाना आपको सर्च बॉक्स पर यहाँ पर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पर आपको लिखना है क्रॉकपॉट, जो आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है सेम स्पेलिंग आपको टाइप करना है, ठीक है। और यहाँ पर सर्च कर देना है, और सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर दिख जाएगा। इसको भी मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। तो आप चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे जिसे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे नंबर 3 पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में साइड में दिख रहा है सेम आपको यहाँ पर लिख कर सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखते हैं वो वाली बैकग्राउंड म्यूजिक दिख जाएगा, इसको भी आपको यहाँ पर प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो आप चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे नंबर 4 पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फिर से सर्च बॉक्स पर जाना है, और आपको यहाँ पे सर्च करना है जो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पर जो आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा है सेम चीज आपको टाइप करना है यहाँ पर, और सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये बैकग्राउंड म्यूजिक दिख जाएगा, इसको भी प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मेरे नंबर 5 पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक है, एकदम इमोशनल वाला, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको फिर से जाना है सर्च बॉक्स पर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको जो स्क्रीन में साइड में लिखा हुआ दिख रहा है सेम आपको सर्च करना है, और जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हो 2 नंबर पर, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर प्ले करके मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर जाके फॉलो कर देना, ठीक है।